ਚੋਹਰਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉਤੋਂ ਮੰਗਿਆਈ ਦਾ ਆਲਮ ਆ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੇ ਨੂਣ ਹੱਕੇ ਹੋਏ ਖੜਿਆ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਕੁੱਟ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो व्यूअर्स, इस वक्त जी हम मार्केटिंग के लिए निकल रहे हैं और बाइक की दुकान पे खड़े थे, तो गाड़ी हमारी सामने खड़ी है रोड की दूसरी तरफ। तो आज हम जा रहे हैं, ये टूर हमारा होगा तकरीबन 50 किलोमीटर और आने जाने का तकरीबन 100 किलोमीटर बन जाएगा। तो शेयर करते हैं आज का टूर आप लोगों के साथ। रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो व्यूअर, यहाँ पे मैंने अजहर भाई से मुलाकात करनी थी, तो गाड़ी हमने यहाँ पे अपनी खड़ी कर दी है और अभी चलते हैं उनकी शॉप पे। ये है उनकी शॉप रही। तो ये सामने इनकी शॉप के साथ ये सोलर प्लेटों के लिए ना फ्रेम बन रहे हैं जो ट्राली के ऊपर फिट होते हैं और देहात में इस्तेमाल होते हैं। तो अभी चलते हैं अजहर भाई से मुलाकात करते हैं, अगर वो दुकान पर हुए तो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? ठीक हो? और सुनाओ, सब खैर करिएगा? तो यहाँ पे भी अजहर भाई यहाँ पे दुकान पे मौजूद नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं। काफ़ी दिनों से मुलाकात करने का इरादा था लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही। तो इंशाल्लाह वापसी पे इनके पास दोबारा अगर दुकान पे हुए तो इनसे ज़रूर मिल के जाएंगे। तो अभी एक छोटे दो काम है वो करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो व्यूअर्स, हमने यहाँ से तेल डलवा लिया है और चलते हैं अपने सफ़र पे। ਚੋਹਰਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉਤੋਂ ਮੰਗਿਆਈ ਦਾ ਆਲਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੇ ਨੂਣ ਹੱਕੇ ਹੋਏ ਖੜਿਆ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਕੁੱਟ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। तो व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं अपनी आखिरी शॉप पे और आज जो है ना मार्केट में बिल्कुल ही काम स्लो है। काम की सुविधा इतनी कमज़ोर है कि यहाँ पे सिर्फ एक भाई इनके पास बैठे हैं, वो भी रिक्शे वाले हैं जो काम यहाँ पे करवा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं वो भी फ्रूट वाले भाई हैं। तो इनकी भी अभी इसी मामले पर ना काफ़ी तो तकरार वगैरह चल रही थी। तो ये भाई की दुकान है जो इस स्टाफ की मेरी लास्ट दुकान है, छोटी सी दुकान है क्योंकि ये जो स्टाफ है एक छोटा सा मतलब अड्डे पर मुश्तमिल है। इसने भाई ने दरवाज़े भी रखे हुए हैं और स्पेयर पार्ट भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना मिक्स एड में रख के वो अपना निज़ाम चलाते हैं। तो अभी भाई को जो है ना हमने सामान वगैरह इनको दे दिया है, तो इनसे यहाँ से रुख्सत होते हैं और आज का जो टूर है हमारा तकरीबन यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। और आपको मिलते हैं दोबारा चौक आज़म में। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, आज हमने अपना जो टूर था कंप्लीट कर लिया और आज की मार्केटिंग जो थी काफ़ी काम स्लो रहा है क्योंकि पता नहीं क्या वजह है, माह रमजान की वजह भी हो सकती है क्योंकि इस महीने में ना काम काफ़ी स्लो हो जाता है। तो अभी हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं, इंशाल्लाह मगरब से पहले हम घर पर पहुँच जाएँगे। तो अभी हमारा तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र जो है ना वो अभी रहता है, तो इसको हम तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा हमारा लगेगा। हम वापस अपने घर की तरफ निकल चुके हैं और 1.5 घंटे में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, खैर खरिया से हम अपनी शॉप पे पहुंच चुके हैं जी। अभी मेरी घर जाने की तैयारी हो रही है, तो चलते हैं घर और चल के करते हैं अफ्तारी का, क्योंकि टाइम बिल्कुल करीब है, तकरीबन आधा घंटा टाइम रह चुका है। चल के जाके अफ्तारी करते हैं, तो मिलते हैं घर पर आपसे। तो व्यूअर, इस वक्त हम अपने घर पहुंच चुके हैं और आज का व्लॉग जी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। हाज़िर होते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।